एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे विवास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जो कि डीआरडीओ डेवलप कर रही है। कई बार इसके ट्रायल हो चुके हैं और आज भी इसका ट्रायल हुआ, ये पूरी तरह से सफल रहा है और टेक्स्ट बुक ट्रायल इसको कहा जा रहा है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ ने ये सारे मैसेज दिए अपने ट्विटर हैंडल और ऑफिशियल माध्यम से। इसके अलावा आकाश एनजी का भी ट्रायल किया गया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का ट्रायल किया गया। इसकी जो रेंज है वो 70 से 75 किलोमीटर की मानी जा रही है और ये भी ट्रायल बिल्कुल सफल रहा है। आकाश मिसाइल का ये ट्रायल उसको मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के कैपेबल बना देता है, उसके साथ ही खड़ा कर देता है और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। बात कर लेते हैं रफेल एयरक्राफ्ट की। भारत के साथ साथ ग्रीस ने भी ये रफेल एयरक्राफ्ट खरीदे हुए हैं, हालांकि ग्रीस ने सेकेंड हैंड खरीदे हुए हैं। उनको जो पहले से फ्रांस की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वो अपने रफेल उनको देने वाली है, उनका अलग ही किस्सा है, पर उनको अपना पहला रफेल डिलीवर हो गया है। ये माना जा रहा है कि 2021 के अंत तक उनको 6 रफेल मिलेंगे, इसके बाद 2022 के अंत तक 6 रफेल मिलेंगे, 23 के अंत तक उनको 6 रफेल मिलेंगे, कुल मिलाकर 18 रफेल उनको 2023 के अंत तक प्राप्त हो जाएंगे। भारत की अगर बात करें तो भारत को आज 3 और रफेल मिल गए हैं, भारत वो उतर गए हैं। इनकी पोस्टिंग हसीमारा में होगी, वेस्ट बंगाल में होगी। फ्रांस के द्वारा रफेल एयरक्राफ्ट तेजी से डिलीवर करने की कैपेबिलिटी ही उनको वर्ल्ड में अलग लीग में रखती है। इसी प्रकार की कैपेबिलिटी भले ही तेजस के लिए क्यों ना हो, भारत के में भी अन्य होनी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं कुछ अफगानिस्तान मुद्दों की। बहुत बेहतरीन खबर आई है, आपको ये सुनना चाहिए। इसमें सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है ट्रोल्स को लेकर। पाकिस्तानी हमेशा जितने भी अफगान ऑफिशियल्स हैं ट्विटर पर उनको ट्रोल करते रहते हैं। इसी तरह की एक वीडियो निकलकर सामने आई जब आज ईद के मौके पे उनके ऑफिशियल्स, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सभी लोग अफगानिस्तान के नमाज अदा कर रहे थे, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर बम फटा जिससे कि कुछ लोग डर गए। उनमें उनके वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे, जो कि कई बार ट्विटर पे पाकिस्तान को हड़काते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानी ट्रोलर्स ने उनका इसी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया और उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब बम के धमाके से तो कोई भी डर सकता है, अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो अचानक से बम का धमाका हो तो वो डर सकता है। इसी को इसकी हंसी उड़ाना जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया तो वाइस प्रेसिडेंट ने उनके ऐसी पिक्चर पोस्ट की जो कि पूरे विश्व के लिए एक लेजेंडरी पिक्चर मानी जाती है और उनके द्वारा भी यही कहा गया कि पूरी हिस्ट्री में इस प्रकार की पिक्चर नहीं हो सकती और आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की कोई पिक्चर नहीं हो सकती। आपकी स्क्रीन पे वो पिक्चर है, ये लेजेंडरी पिक्चर आप जानते हैं कि किससे रिलेटेड है। पाकिस्तानी ट्रोल जब हाथ से बाहर निकल जाते हैं तो इसी पिक्चर को ट्वीट करना पड़ता है या सोशल मीडिया पर डालना पड़ता है। वही चीज अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने भी की, उनको भी ही पता है कि पाकिस्तानी को मिर्चा कहां से लगती है और ये मिर्ची बेहतरीन मिर्ची है और इसके बाद पाकिस्तानी ट्रोलर्स हमेशा चुप हो जाते हैं। वही बात कर लेते हैं, 3 पार्टी वाली मीटिंग होती है जिसमें कि रशिया, अमेरिका और अफगानिस्तान शामिल रहते हैं। तालिबान मुद्दे पर होती है ये मीटिंग। इसमें पिछले बार की जो मीटिंग थी उसमें भारत को इंक्लूड नहीं किया गया था, पर इस बार रशिया के कहने पे भारत को इंक्लूड किया जाना है। इसमें आगे आने वाले समय में ईरान भी शामिल हो सकता है, तालिबान और पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, चाइना भी इसमें शामिल होने की संभावना है। यहां पर सीधे सीधे ये बात है कि एक ऐसी बातचीत का माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें कि सभी लोग बैठेंगे और पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि भाई अपना जो तुम्हारा महत्वाकांक्षा है उसको किनारे रखो और अफगानिस्तान में शांति होने दो, एक पॉलिटिकल हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर एक और चीज निकलकर सामने आई है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान में हमारे विदेश मंत्री की जो यात्रा हुई थी उसके बाद वो तुरंत रशिया गए थे, उसके बाद ही इस प्रकार की चीज निकलकर सामने आ रही है। और अब यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि भारत डायरेक्टली तालिबान से बात करने वाला है। अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के द्वारा या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा भारत को यह कहा गया है कि डायरेक्टली तालिबान से बात करें और कुछ निर्णय निकालने का प्रयास करें। एक्चुअल में तालिबान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब 20 साल से लड़ते लड़ते बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकल जाए, बातचीत से हल निकल जाए। उन लोगों से अफगानिस्तान ये चाहता है कि भारत बात करे और क्योंकि भारत हमेशा ही अफगानिस्तान में शांति बहाल के लिए काम करता है इसलिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट भारत पर विश्वास करती है और उसी विश्वास को लेकर वो चाहती है कि हम तालिबान से बात करें। भारत आगे आने वाले समय में इस ओर देख रहा है और हो सकता है कि हमारी डायरेक्टली बात से कुछ हल निकल भी जाए। अब बात कर लेते हैं भारत चीन रिश्तों की। बारा होती जो कि उत्तराखंड में है,
चीन की बॉर्डर यहां पर लगती है और इसके विपरीत दिशा में यानी कि चाइनीज साइड में कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर चाइना अपने प्लेन उतारने का प्रयास कर रहा है। प्लेन कई उतर रहे हैं उनके और यूएवीज भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इस बॉर्डर के आसपास उनकी कुछ एक प्लाटून जिसमें कि कुछ 35 से 40 उनके सदस्य हैं, पीएलए के जवान हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। इस एरिया में इस प्रकार की जो चहलकदमी है वो बहुत तेजी से हुई है और इस तेजी से हुई चहलकदमी के लिए भारत हमेशा तैयार है, पर इस चीज पर भारतीय आर्मी हाई अलर्ट हो चुकी है और पीएलए पे पैनी नजर बनाए रखी गई है। ऐसा माना जा सकता है कि यहां पर कोई एक्सरसाइज चीन हो सकता है करने वाला हो या कर रहा हो, या एक्सरसाइज के आड़ में यहां पर संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, यहां पर भी सीमा को हॉट करने का प्रयास कर रहा हो। जो भी है, भारत पैनी नजर उन पर बनाया हुआ है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझको इस सवाल से जवाब हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।